नमस्कार, मैं हूं मानविंद रावत और स्वागत करता हूं आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज बात कर लेते हैं पंचांग के बारे में। जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियां यहां पर हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकें। ज्ञानवर्धक प्रोग्राम है, राशिफल बताना तो हमारी ड्यूटी है, साथ साथ में आपको और भी व्यवहारिक बातों के बारे में जानकारी हम देते रहते हैं। कुछ और वीडियो हमने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपलोड करी थी, यदि आपने देखी हो तो। जैसे हमने कहा था कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, बहुत सारी चीज़ें हैं, जुड़ने से कहीं ना कहीं लाभ ज़रूर प्राप्त होता है। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, बुधवार का दिन है, तिथि इसका समाप्ति काल सुबह ही हो जाएगा 7:35 पर। इसके पश्चात द्वादशी शुरू होगी, यानी कि पूरा दिन द्वादशी में व्यतीत होगा। भरणी नक्षत्र यह आज पूरे दिन चलेगा। यदि हम बात करें योग की तो शिव योग पूरे दिन रहेगा और करण रहेगा दोस्तों आज विष्टि, वह भी सुबह तक 7:35 तक। इसके बाद बालव नामक करण प्रारंभ हो जाएगा। बुधवार का दिन है, राजकुमार, अगर ज्योतिषीय भाषा में बोलें तो बुध एक राजकुमार प्लैनेट है, तो उनका दिन है आज 12:21 से लेकर के 2:05 तक आज राहुकाल रहेगा। और यदि हम चौघड़िया मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों बुधवार के दिन लाभ की चौघड़िया सुबह 6 से 7:30 बजे तक रहती हैं और 7:30 से 9 बजे तक अमृत की। इसके बाद फिर 10:30 से 12 शुभ की शुरू हो जाएंगी। बात करते हैं आज के राशिफल की। आपकी राशि के अंदर चंद्र भगवान बैठे हैं, आज आपको कूल रखेंगे, शांत रहेंगे, आज आपकी ध्यान एकाग्रता मजबूत होगी, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको। मेष राशि वाले कहीं ना कहीं थोड़े से उत्तेजित ज़्यादा होते हैं और आपके स्वयं के शरीर पर रहेगा तो आज आपका दिन बहुत शांति के साथ व्यतीत होगा। कुछ नया करने का अवसर भी आज आपको प्राप्त होगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मेष राशि वालों, आपके लिए आज फेवरेबल डे है। वृष राशि में प्लेनेटरी जो पोजीशन है वह बदल जाएगी, थोड़े से यहाँ पर खर्चे बढ़ जाएंगे जिसके कारण मानसिक तनाव बढ़ेगा। पर दोस्तों, यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज आपके घुटनों में, टांगों में दर्द की शिकायत आप महसूस करेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि आज सूर्य शनि आपके पैरों के ऊपर भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बॉडी पार्ट को कमज़ोर करेंगे। लाभ की बात करूँ तो लाभ में कोई कमी नहीं आती है। उसका कारण यह है कि आपका व्यापार का स्वामी गुरु आप पंचम दृष्टि से व्यापार को देख रहा है, तो अर्थ यह हुआ कि बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस में आज आपके टर्नओवर पूरे होना, टारगेट को आप अचीव करेंगे और नए अवसर भी आज आपको प्राप्त होंगे। यदि हम मिथुन राशि की बात करें तो आपके लिए आज का दिन अच्छा है। उसका कारण यह है कि आपका भाग्येश शनि अपनी ही राशि को देखेगा और भाग्य स्थान में मंगल बैठा है। मंगल सोचेगा कहीं ना कहीं इनके भाग्य में वृद्धि करी जाए, इनको नई नौकरी दी जाए, इनको नया कुछ दिया जाए, कोई नई जिम्मेदारी इनको दी जाए। चंद्रमा चंद्रमा व्यापार में बैठेंगे तो व्यापार में वृद्धि करने की सोचेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्थिति है वह कुछ इसी प्रकार की यहाँ पर बनती नज़र आ रही है। कर्क राशि वालों के लिए जो आज ओवरऑल दिन रहेगा उसमें कर्म भाव के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण कर्म की मजबूती होगी, साहस में वृद्धि होगी, ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिलेगा यदि आप शादीशुदा हैं तो। यदि उनके साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह आज दूर हो जाएगा। विदेश यात्रा के लिए समय आज उचित है, साथ ही साथ कर्म भाव की मजबूती होगी सरकारी नौकरी के अंदर। बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए भी आज का जो दिन है वह बहुत ही आनंददायक रहेगा। थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण करिएगा, इरिटेशन आज आप में देखने को मिलेगी। यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो आज पॉजिटिविटी का एक नया संचार आप में होगा। आज आपकी वाणी पर सरस्वती जी विराजमान हो जाएंगी, क्योंकि वाणी स्थान पर शुक्र बैठे हैं। आज जल्दी से आपकी कोई बात को मना नहीं करेगा, आप किसी को कुछ भी कह देंगे वो व्यक्ति तुरंत कन्वेंस हो जाएगा आपसे। धन वृद्धि का एक सुंदर योग बन रहा है। बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए तो बहुत ही उत्तम दिन है, मैं यही कहूँगा कि मुझे कोई ऐसा चिंता का विषय नहीं नज़र आ रहा है। यदि मैं बात करूँ वृश्चिक राशि की तो यहाँ पर दोस्तों
थोड़ा सा अपने संगति का ध्यान रखें, युवा बच्चे विशेष ध्यान रखें, अंडर 25 के जो बच्चे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आज घर में रहें, ज़्यादा बाहर ना निकलें। आज आप दोस्त यारी के चक्कर में फंस के कुछ लॉस खा सकते हैं। स्त्री पक्ष से आपको यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। धनु राशि की जो स्थिति है उसके अंदर लाभ बढ़ेगा, लाभकारी दिन रहेगा, लाभ में अच्छी बढ़ोतरी का एक मुझे यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से संबंधित या फूड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि की। दोस्तों आज कर्म भाव की मजबूती होगी, तो कर्म की मजबूती के साथ साथ में आपको आपकी नौकरी के अंदर प्रमोशन का भी योग बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रयास करिएगा, अफसरों के साथ में तालमेल बना के रखें, क्योंकि आपके साथ ऐसा है आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, बिल्कुल अंतिम चरण में जाकर के काम अटक जाएगा, ऐसी आपके साथ में प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की यदि मैं बात करूँ तो आज जो ग्रहों की स्थिति है उसमें साहस के भाव में चंद्रमा रहेंगे, आपके स्वयं लगन में मंगल रहेंगे, आपकी राशि के ऊपर मंगल रहेंगे, शुक्र भाग्य में रहेंगे, तो दिन तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है, साहस में वृद्धि लेके आएगा। गायकों के लिए समय अच्छा है, यहाँ पर जो संगीतकार हैं उनके लिए समय अच्छा है, राइटर्स के लिए समय अच्छा है, फिल्म लाइन वालों के लिए समय अच्छा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्टिंग से, आर्ट से, कला से संबंधित जो लोग हैं उनको आज कुछ नया अवसर प्राप्त होगा। मीन राशि की यदि हम बात करें तो आपके लिए धन वृद्धि का एक बहुत ही सुंदर योग यहाँ पर बन रहा है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं आप ही राशि को देखेगा, तो वह कहीं ना कहीं आपके कार्यों में वृद्धि करेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, मीठे के द्वारा शुगर बढ़ सकती है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दोस्तों ये था आपका आज का राशिफल। यदि आप भी कुंडली बनवाना या दिखाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं। आप यदि प्राण प्रतिष्ठित रत्न खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी मुझे दीजिए इजाज़त।